सुपेरा रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरब्रिज बनाया जाना शासन द्वारा प्रस्तावित है, जिसका शुक्रवार को यातायात उप पुलिस अधीक्षक गुरजीत सिंह एवं निर्माण एजेंसी के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से मौका मुआयना किया गया। शासन द्वारा 16 अगस्त 2022 की सुबह सुपेला रेलवे क्रॉसिंग के दोनों ओर बैरिगेट्स कर हमेशा के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद निर्माण एजेंसी द्वारा अंडर ब्रिज निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। मौका मुआयना के बाद निर्माण एजेंसी को बैरिगेटिंग स्थल पर उचित प्रकाश व्यवस्था एवं सूचनात्मक संकेत बोर्ड लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। देखिए, शासन से यहाँ पर जो सुपेला रेलवे क्रॉसिंग है, लेवल क्रॉसिंग है, यहाँ पर अंडर ब्रिज का सेंक्शन हो गया है, टेंडर भी हो गया, टेंडर होके काम स्टार्ट होना है। तो अभी प्रशासन द्वारा, हमारे द्वारा निर्णय लिया गया है कि इसको 16 तारीख की सुबह 16 अगस्त की मॉर्निंग से ये लेवल क्रॉसिंग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और यहाँ अंडर ब्रिज का काम चालू हो जाएगा, जिसकी लगभग एक साल की मियाद है। एक साल में ये कार्य पूर्ण होगा, तब फिर अंडर ब्रिज यहाँ पर चालू हो पाएगा। तो आम जनता की इतना चाहिए कि अभी यहाँ पे आप जहाँ भी जिनका भी आवागमन है रेलवे क्रॉसिंग से, तो इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था, अभी एक तो रश्मि परिसर अंडर ब्रिज रहेगा, दूसरा चंद्र मौर्य के पास वाला अंडर ब्रिज, दोनों वैकल्पिक रूप से उपलब्ध हैं आवागमन के लिए, वो अंडर ब्रिज खुले रहेंगे। और ये 16 तारीख की सुबह से हम हमेशा की लेवल क्रॉसिंग को बंद कर देंगे, जब भी अंडर ब्रिज बन जाएगा तभी फिर से खुलेगा। जब ये दोनों, अगर मान लो ऐसी नौबत आती है कि अंडर ब्रिज भर जाते हैं, तो हमारे पास तीन और वैकल्पिक रास्ते हैं, जिनमें एक पावर हाउस का ओवर ब्रिज है, दूसरा नेहरू नगर का ओवर ब्रिज है और तीसरा नेहरू नगर का अंडर ब्रिज है, जिससे हम वैकल्पिक तौर पर आवागमन कर सकते हैं सेक्टर एरिया से दूसरे तरफ। इसके लिए नगर निगम से चर्चा हुई है, नगर निगम को बताया गया है कि उनके जो पंप हैं, मोटर हाउस है, उसकी भी एक कैपेसिटी है। बहुत बार होता है कि ज़्यादा पानी गिरने से उसमें थोड़ी कभी खराबी आ जाती है, मशीनरी चीज़ है और हो सकता है ख़राब, तो तत्काल वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं और उसको बना रहे हैं। तो उन लोग वैकल्पिक व्यवस्था भी कर रहे हैं कि अल्टरनेट पंप रहे, एक पंप खराब हो तो दूसरा पंप तुरंत चालू हो।